हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म। चलिए स्पर्म के बारे में हम जल्दी जल्दी सारी बातें जान लेते हैं। देखिए, स्पर्म जो है वो मेल सेक्स सेल है। मेल सेक्स सेल। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट है। ओके, स्पर्म और क्या है? हैप्लॉयड है। ओके, स्पर्म बनता किससे है? गैमिटोसाइट सेल से बनता है, जिसको म्यूसाइट सेल बोल देते हैं। ठीक है, उससे बनता है। स्पर्म की मेन पार्ट्स को हम जानते हैं। देखिए, मेन पार्ट क्या है स्पर्म के स्ट्रक्चर में? वो है हेड, देन नेक, देन मिडिल पीस, देन टेल। मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइक्रोटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, जैसे स्पर्म अगर मूव करता है तो उस मूव करने में जो एनर्जी लगता है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग स्लैश मूवमेंट ऑफ द टेल। ओके, अब ये टेल का फंक्शन क्या है? टेल क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। और ये अगर टेल के स्ट्रक्चर सही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पाने मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, कम चांसेस फर्टिलाइजेशन के कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बात है। तो ये फैसिलिट करता है स्पर्म मोटिलिटी, विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हेड के ऊपर आपको ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है? तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम वो फॉर्म किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा। और जो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइकिंग इंजाइम्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट दिख रहा है, ओवम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस यहाँ पे आपको कोरोना रेडिएटर बाहर दिख रहा है, उसके अंदर दिख रहा है जोना पेलोसिडा, देन पेरीवेटलाइन स्पेस। ठीक है, तो ये जोना पेलोसिडा है, इसी के साथ रिएक्शन करके उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसके? एक्रोसोम के, और इसको डिजॉल्व कर देते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्पर्म के बारे में। ठीक है, मैंने आपको इसका जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड इन द सेंस कि उसका जो विड्थ है वो कम होगा, लेंथ ज़्यादा होगा। विड्थ कम होगा, लेंथ ज़्यादा होगा, दैट इज़ व्हाट कॉल इलोंगेटेड। इलोंगेटेड होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देख पा रहे हैं। नेक है ये। ठीक है, हेड है, हेड के अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। ठीक है, मिडिल पीस है, टेल है, फैसिलिट करते हैं स्पर्म मोटिलिटी की। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।